यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। नाज़रीन प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सती। नाज़रीन आज हम मौजूद हूँ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, जहाँ पर पिम्स के एम्प्लॉयज़ की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत की जानब से इनिशिएटिव दिया गया है कि पिम्स को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है इलाज ही महंगा हो जाएगा और यहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। चूँकि वो सिविल सर्वेंट नहीं रहेंगे तो उनसे जो मरात हैं, कुछ जो है रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ अभी नए नए जॉब पर आए हैं, उन सबको मसाइल दरपेश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे सफ़र करेगी वो गरीब आवाम है, चूँकि पिम्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो तमाम गरीब लोग जो है यहाँ पर इलाज मॉलिज के लिए आते हैं। लेकिन पिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल्स में भी रहता है, मगर उसके अलावा यहाँ पर जो इलाज की फैसिलिटी है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़ा अस्पताल होने की वजह से यहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट जो है वो मैसर होता है, लेकिन प्राइवेटाइज होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर यूनियन जो है उसको बहुत ज़्यादा एतराज़ हैं। आके उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके और क्या मुतालबात हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शरीफ खटक साहब, जो पिम्स की जो यूनियन है APRM उसके जो है चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं आखिर यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ को क्या क्या एतराज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज हमारे जनरल बॉडी मीटिंग है पिम्स में, जिसमें पिम्स के कंसल्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, गजेटेड, नॉन गजेटेड एम्प्लॉज़, 1 से लेकर 22 ग्रेड के तमाम मुलाज़मीन आज यहाँ पे आ चुके हैं और उनको हमने गैदर किया है कि उनको हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि इस अस्पताल के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट एक एक्ट ला रही है जिसको MTI कहते हैं। MTI मींस के मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अस्पताल की सरकारी हैसियत और इन मुलाज़मीन की हैसियत ख़त्म हो जाती है और ये एक प्राइवेट इदारा होगा और इसमें रहने वाले मुलाज़मीन या तो यहाँ डेपुटेशन पे काम करेंगे या वो इस एक्ट को ज्वाइन करेंगे। एक ज़्यादती मरीज़ों के साथ है, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेटअप होता है वहाँ पर कभी भी सरकारी और मुफ्त इलाज नहीं मिलता। तो ये बड़ा अस्पताल है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मरीज़ आते हैं और हम उनको दिन रात उनकी सर्विसेज देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट पहले एक तजर्बा KPK में और पंजाब में कर चुकी हैं जो कि बुरी तरह नाकाम है। आज हमारा मुतालबा है और हम अपने लोगों को भी ये बता रहे हैं और गवर्नमेंट से भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को खुदारा इसी हालत में सरकारी हैसियत में इसमें इजाफा करो, ताकि हम दिन रात मरीजों की खिदमत कर सकें और हमारे एम्प्लॉज़, हमारे मुलाज़मीन का जो हकूक है उसको ख़राब ना करें। तो ये हमारा आज एक आगाही मुहिम है। आइंदा हम एहतजाज पर भी जाएँगे, अस्पताल भी बंद करेंगे। हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह जुल्म ज़्यादती ना करें, ना मुलाज़मीन के साथ और ना गरीब आवाम के साथ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि पिम्स जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, यहाँ पर नामवर डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा इलाज भी दिया जाता है। अक्सर तो पिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे कहते हैं कि इश्यूज़ का भी शिकार रहता है, कभी कोई पेशेंट का मसला, कभी क्या मसला, आए दिन जो है वो स्कैंडल्स यहाँ पर बनते रहते हैं। ये बताइएगा कि प्राइवेटाइज होने से इसकी जो इलाज की सर्विसेज वगैरह उसमें बेहतरी नहीं आ जाएगी आपके ख्याल में? देखें, पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी गरीब है और ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी प्राइवेट जगह पे सारे लोग अफोर्ड कर सकें। तो इस अस्पताल में वो लोग आते हैं जिन बेचारों के पास आने का किराया तक भी नहीं होता और ये अस्पताल आधे से ज़्यादा ये जापान ने गिफ्ट किया है इस मुल्क को, पाकिस्तान को। यहाँ पे सारे वो लोग आते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती इलाज करने की। अगर इसको प्राइवेट कर रहे हैं, एक एक्स्रा जो यहाँ पे फ्री में होता है और ये 200 रुपए में कर दें, तो मेरे ख्याल में गरीब मरीज़ जो होगा वो तो एक एक्स्रा भी नहीं करा सकेगा। तो कंसल्टेंट की फ़ीस और यहाँ डाइट चार्जेज और बेड चार्जेज और मेडिसिन चार्जेज, तो ये सारी आवाम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लेने की बात की है तो उन्होंने इस चीज़ को भी सोचा ही होगा, मेरे ख्याल में गरीबों के लिए तो सोचा ही होगा। जी बिल्कुल सोचा उन्होंने यही है कि वो इंसाफ कार्ड दे रहे हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट। और इंसाफ कार्ड आप देखें कि हमारी 22 करोड़ आबादी है, तो क्या 22 करोड़ आबादी को इंसाफ कार्ड मिल रहा है? इस अस्पताल में तो ऐसे लावारिस लोग आते हैं जिन पे हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो ICU में वेंट पर पड़े होते हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, ऑपरेशन उनके होते हैं।
ब्लड उनको मिलता है, टेस्ट लेबॉरेटरी सब कुछ उनका फ्री होता है। तो मेरे ख्याल में एक इंसाफ कार्ड से ये तरीका नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारा मुतालबा है, हम रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों। गरीब आवाम के लिए अगर गवर्नमेंट अच्छा करना चाहती है तो बिल्कुल हो, लेकिन वो इस सूरत में कि स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ बढ़ा दें। यहाँ बिल्डिंग कम है, मरीज़ ज़्यादा हैं, बेड कम है, बिल्डिंग और बना दें। यहाँ पे एक्सरे की मशीनें और बढ़ा दें। यहाँ पे अमला ज़्यादा कर दें, ताकि दवाइयाँ ज़्यादा दें, ताकि गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके। आज की जो आप लोगों ने मीटिंग अपनी बुलाई है तमाम पैरामेडिकल स्टाफ की, इसका बेसिकली जो मेन मैं कोर एजेंडा पूछना चाह रही हूँ कि आज की मीटिंग का, क्योंकि आपने कहा है कि हम आइंदा प्रोटेस्ट की तरफ भी जाएंगे, हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, तो आज की बेसिकली मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? आज की मीटिंग हमने तमाम पिम्स के एम्प्लॉइज़ को दावत दी है और अभी आ चुके हैं, सारे आ चुके हैं। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट ये जो एक्ट लाना चाह रही है इसमें हमारी मुशावरत शामिल हो। हम जो रिफॉर्म्स, हम अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, हमें पता है कि यहाँ पे मुश्किलात क्या हैं। बाहर के बंदे को नहीं पता होगा जो एसी के कमरे में बैठा होगा। हमारी मुशावरत से अगर ये कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो हम उनको सलाम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। हड़ताल तो क्या हम जान भी दे देंगे जिसमें गरीब लोगों के लिए मसला होगा। हम एम्प्लॉइज़ के लिए और गरीब लोगों के लिए खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। आज की मीटिंग में हम एम्प्लॉइज़ को बताना चाहते हैं कि ये जो आ रहा है आर्डिनेंस या एक्ट या जो भी आ रहा है, ये किसी भी सूरत में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और इंशाल्लाह सारा इस्लामाबाद और सारा पाकिस्तान हमारे साथ है। इसी में एक बात से, आपकी बात से मैं एक बात पिक करना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि कहीं ये तो नहीं है कि आप लोग परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, प्राइवेटाइज होने से आप लोगों की इनकम पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो ये तो मकसद नहीं है एहतजाज का? जी बिल्कुल, यही भी है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, मेरा भी यहाँ पे कोई हक है। अगर मेरी 20 साल सर्विस है तो मैं एक सीनियरिटी की लिस्ट में भी हूँ, मुझे घर भी मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ चीज़ें भी मिलेंगी। प्राइवेट एम्प्लॉई तो ऐसे होगा कि अगर बड़ों की मर्ज़ी होगी तो मैं काम करूँगा, बड़ों की मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं 20 साल या 25 साल में अपना राइट नहीं मांग सकता। मेरे अपने राइट से ज़्यादा ज़रूरी, मेरे एम्प्लॉइज़ के हक से ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे हमें गरीब लोगों की है, और हम इंशाल्लाह ताला आवाम भी हमारे साथ है, पिम्स भी हमारे साथ है, पाकिस्तान भी हमारे साथ है, और हेल्थ के तमाम मुलाज़मीन इंशाल्लाह ताला हुकूमत के इस्तिलाहात के हम खिलाफ नहीं है। ये बड़ा क्लियर मैसेज है, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि ऐसा कुछ लाया जा रहा है हमसे पूछा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ लाया जा रहा है हमारी मुशावरत भी नहीं शामिल, और ऐसा कुछ लाया जा रहा है जिसमें ना इदारे को फ़ायदा है ना गरीब मरीजों को फ़ायदा है। तो ये हमारी उनके साथ एक बात है और ये इंशाल्लाह हम करेंगे, आखिर तक करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, सर मेरे से मौजूद है चौधरी रियाज गुजर साहब, नॉन मेडिकल स्टाफ के प्रेजिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं आखिर आज का जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैडम पहले तो शुक्रिया, आप कवरेज के लिए आई हैं और आपने हमारी ये आवाज़ सुनी और इन लोगों का जो दर्द है वो आपने महसूस किया, शुक्रिया आपका। ये मैडम इस गवर्नमेंट के इशू है कि MTI एक इन्होंने नाफिज करना एक एक्ट बनाया है कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन के हवाले से इन हॉस्पिटल को ये ऑटोनमस बॉडी कॉरपोरेट बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपके इल्म होगा पूरा पंजाब इस वक्त चीख रहा है, KPK में 2 दिन हो गए हैं, KPK भी तमाम हॉस्पिटल बंद हैं और वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो बदकिस्मती से जो पिम्स हॉस्पिटल है हमारा, हम हर दौर में हर गवर्नमेंट आके इसको आजमाइशगाह बनाती है, और ये दिन को यहाँ पे 10,000 के करीब मरीज़ों को ट्रीट किया जाता है। एम्प्लॉइज़ हमेशा परेशानी में मुबतला रहते हैं। पहले भी हम एक हमारे ऊपर मुसलत किया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बनाई गई, इस इदारे को उसके साथ अटैच कर दिया गया, हमारी सिविल सर्वेंट राइट ख़त्म हो गया, और फिर आने वाले जो मरीज़ हैं उनसे भी चार्जेस बढ़ा दिए गए। तो इसी किस्म की चीज़ आ रही है जिसके 4 साल हम लड़ते रहे और वो अल्लाह ने मेहरबानी की, उसको हमने रिव्यू कर लिया और अपना ये स्टेटस जो वेलफेयर हॉस्पिटल का हमने दोबारा वापस ले लिया। और अभी ये गवर्नमेंट भी ऐसी चीज़ ला रही है जो पहले तजर्बागाह उन्होंने पंजाब का बनाया और KPK का बनाया, वहाँ बुरी तरह नाकाम है। इस वक्त हेल्थ का एम्प्लॉइज चीखे मार रहा है वहाँ पर, चाहे वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, नर्सेज है या दीगर स्टाफ है, वही तजर्बागाह यहाँ फेडरल में बनाना चाहते हैं। हमें पता चला है कि मिनिस्टर साहब जो हमारे मिर्जा साहब आए हैं, उन्होंने हमसे हमने उनसे एक मीटिंग भी की, उन्हें हमने बताया कि ये इशू है हमारे, इसमें हमारा सिविल सर्वेंट राइट ख़त्म हो रहे हैं, उन डिटेल में हमारी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा जी मैं जो इसे एक्ट बनाने वाली कोई कमेटी है उससे मैं बात करूंगा और फिर आपको एतमाद मिलेंगे, मगर उसके बाद हमें ना एतमाद में लिया गया, सुना है वो समरी PM तक चली गई है और ये नाफज होने जा रहा है। हमारे बहुत से तहफात हैं,
ایک تو یہ روزانہ 10,000 کے قریب جو فری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کی، یہ کہاں جائیں گے لوگ؟ پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایز اے سول سرونٹ رائٹ ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، پینشن ختم ہو جائے، باقی ساری چیزیں ختم، یہ ہمیں کم از کم آج تک اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ خدا رہا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام، یہ پروٹیسٹ کرنا یہ نہیں ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ہماری بات سنی جائے، اس کے بعد اگر ہم مطمئن ہیں تو آپ اگر کرنے جا رہے ہیں تو بیٹھ کے اس پہ کریں۔ یہ بات بھی دیکھیں کہ تمام دنیا میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں یا ان کی جو باڈیز ہوتی ہیں، ان کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ عام انسان کے لیے علاج اور تعلیم جو ہے وہ مفت کی جائے، اور یہ جو سروسز اور یہ فیسلٹیز ہیں یہ سب سے بہترین دی جائیں۔ اگر آپ کا معاشرہ صحت مند ہی نہیں ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، تو وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ تو پرائیویٹائز کرنے سے ایک جو غریب عوام کے پاس یہاں پر ایک آس ہے کہ وہ یہاں پر آتے ہیں، فری ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، وہ بھی چھن جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں یہ تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر ملک ہے ہمارا۔ اب وہاں کی چیزیں یہاں امپلیمنٹ کیسے ہو جائیں گی؟ پیسے اس کی تو معیشت تو بہتر کی جائے نا۔ اب ایک غریب آدمی، میں اتنی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ کہ آپ کے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ساری چیزیں ایکسیڈنٹل ایمرجنسی کی صورت میں تو فری ہیں۔ اب یہی چیز ایک غریب آدمی شفا میں علاج کرا سکتے ہیں جا کے؟ وہاں تو 50,000 ایک لاکھ روپے کاؤنٹر پہ جمع کرانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس ادارے کے اندر اگر ایسا ہوگا تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آج ایک عام آدمی ایک پیشنٹ کو وہاں سے اٹھا کے ایمرجنسی کی صورت میں وہ جرت نہیں کرتا شفا میں جانے کے لیے، کسی اور پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جائے گا، وہ یہیں پہ لائے گا اسی ایمرجنسی میں، اور تمام فیسلٹیز فری ملیں گی۔ تو کم از کم یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ جتنے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ فری ہے، تو یہ چیزیں کہاں ہوں گی؟ یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اپنا تو ہمارا ہے یہ، مگر ہم اس غریب عوام کا بھی سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جو پرائیویٹائز کریں گے اس سے جو ہے فیس اور یہ سب چیزوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ظاہر اضافہ ہی ہوگا، جب ادارہ ہی آپ کا اٹانومس باڈی کارپوریٹ ہو جائے گا تو یہ سارا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مطلب دیکھیں آپ سول سرونٹ نہیں رہیں گے، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں رہیں گے، آپ لوگ پرائیویٹائز اس میں مطلب ڈیلی ویج پہ آ جائیں گے، رائٹ؟ تو آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ جی میڈیکل کا ہونا چاہیے، مطلب جو لوگوں کے لیے فیسلٹیز ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ وہ بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اعتراض ہے کہ ہمارے لوگوں کو 30-30 سال سے سروسز کر رہے ہیں، ہماری پینشن کیا ہوگی، کدھر جائے گی، ہمارا سول سرونٹ رائٹ ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو ہم ظاہر ہے جو اپنا جو جاب پہ بندہ آتا ہے تو اپنی پروٹیکشن کے لیے آتا ہے نا۔ اب آنے والی جو ہماری ریگولر پوسٹیں انہیں ختم کر کے یہ کنٹیکٹ پہ لوگوں کو بھرتی کریں گے، تو یہ تو زیادتی ہیں نا امپلائیز کے ساتھ بھی، تو یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پروٹیسٹ کریں گے، جو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی امپلائیز کو یہاں اویئرنیس کی بلایا ہے۔ نیکسٹ قدم انشاءاللہ ہم پریس کلب بھی جائیں گے اور اپنا موقف عوام کے سامنے بھی لکھیں گے۔ ہم جو دیگر تنظیمیں ہیں، امپلائیز ہیں، اس میں وکلاء ہیں، ہمارے پاس مذہبی طبقہ ہے، باقی جتنے لوگ ہیں، تاجر ہیں، سب کو یہ بتائیں گے کہ خدا رہا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے پیمز ہاسپٹل، یہ غریبوں سے نہ چھینا جائے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے متعلقہ یونین کے لوگوں سے بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر حکومت پرائیویٹائزیشن کرتی ہے تو اس سے پیمز کے عملے کو تو نقصان ہوگا ہی، مگر مریضوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نقصان اس طرح کا کیونکہ پیمز جو ہے پاکستان کا بڑا ترین جو ہے ہسپتال مانا جاتا ہے، اور یہاں پر غریب لوگوں کو جو ہے وہ علاج کی مفت سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹائز ہونے کی وجہ سے یہ علاج بہت مہنگا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی اپنا علاج و معالجہ نہیں کروا پائے گا، جس سے نقصان تو عوام کو ہوگا ہی، چاہے وہ اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، میڈیکل سٹاف ہے، پیرا میڈیکل سٹاف ہے، یا پھر دیگر عملہ ہے، اور اس کو بھی نقصان ہوگا اور مریضوں کو بھی نقصان ہوگا۔ تو دونوں کے حق میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پورا من احتجاج کر رہے ہیں، اور اگر نوبت آئی تو ہم پریس کلب کے سامنے بھی دھرنا دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم او پی ڈی کو بھی بند کر دیں گے۔ تو حکومت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح سے اس پرائیویٹائزیشن کو جو ہے وہ روکا جائے، اور پیمز جیسے اپنا ایک کام چلا رہا ہے ویسے ہی کام چلاتا رہے۔ کہیں پہ اگر ان کو ضرورت ہے عملے کی، عملہ کم ہونے کی وجہ سے علاج اور اس میں کچھ مسئلے مسائل جو بھی پیش آ رہے ہیں، تو وہاں پر نئی ریکروٹمنٹس کی جائیں، نئے لوگوں کو تعینات کیا جائے، تاکہ ہسپتال میں موجود جو ہیں وہ مسائل بھی کم ہو سکیں اور پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ روکا جائے۔ اسی کے ساتھ میں صدر ستی ان سائٹ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔